ठेकुआ छठ में हर घर में बनता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं खस्ता ठेकुआ आसान तरीके से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफत परवीन, ऑल ओवर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू। मैदा, वनस्पति घी, चीनी, नारियल का बुरादा, बेकिंग पाउडर और नमक। मैदा लेंगे, 3 कप मैदा लेंगे, मैदा हमने पहले ही छान दिया है। 3 कप यानी 300 ग्राम हो जाएगा ये। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नारियल का बुरादा, उसमें इलायची डाल के पीस लिए थे, और चीनी डालेंगे 75 ग्राम। सबको पहले मिक्स कर लेंगे। घी डालेंगे 60 ml। अब सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मुट्ठी बांध के देखेंगे, देखिए बंध रहा है, मतलब ये ठीक से इसमें मोइन गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंधेंगे। इसको सख्त गूंधना है, जिस तरह से रोटी बनाते हैं वैसा नहीं होगा, ये सख्त रहेगा, और क्या होगा, थोड़ी देर के बाद चीनी से थोड़ा पिघल जाएगा, इतना ही सख्त होना चाहिए। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। छोटा छोटा लोइया लेंगे। छठ में ज़्यादातर लोग जो है ना, लकड़ी का जो होता है सांचा, उसी पर बनाते हैं। मैंने भी सांचा लिया है, उसी पर बनाएंगे डिज़ाइन के लिए। तो हाथ से दबा देंगे, आप चाहे तो बेलना से भी बेल सकते हैं। देखिए इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। एक और बना के दिखा रहे हैं। अब दूसरा डिज़ाइन बनाया है, ये पत्ता के जैसा शेप है इसका, इस तरह से। तेल है, तेल गरम करने के लिए डाल दिए हैं, रिफाइंड तेल है। अब इसको चेक किए हैं, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम हीट रहेगा, हल्का गरम रहेगा। अब इसमें हम ठेकुआ सब डालेंगे और इसको आराम से पकने देंगे, अभी इसको चलाएंगे नहीं। जब एक साइड से लाल हो जाए फिर इसको उल्टेंगे। देखिए अब ये तैयार हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए बर्तन में डालने से आवाज़ होगी, यानी बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बना है। दोस्तों ठेकुआ तैयार है। आपको ठेकुआ की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।